नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक नए ब्लॉग में चल रहा हूँ। चलिए हम मेरे साथ दिल्ली देखते हैं कहाँ चलते हैं। इस वक्त मैं हूँ, आप पहचानिए, ये है राजीव चौक स्टेशन। देखिए कितनी भीड़ है, वो देखिए सामने मेट्रो खड़ी है। अब मैं पालिका बाज़ार की तरफ निकल रहा हूँ। मैं आज आपको कनॉट प्लेस और पालिका बाज़ार दिखाऊंगा। देखिए एक बार, वो देखिए सामने मेट्रो खड़ी है, एग्जिट है बाहर निकलने का। नहीं एक बार देखिए कितनी भीड़ है यहाँ। वो देखिए सामने मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, ये है राजीव चौक स्टेशन। इसे येलो लाइन कहते हैं। अब मैं निकलना है मुझे पालिका बाज़ार की तरफ। ये देखिए इसका निकास, ये रहा। मैं आ गया हूँ बाहर पालिका बाज़ार की तरफ। इस ब्लॉग में मैं आपको राजीव चौक मेट्रो स्टेशन तथा पालिका बाज़ार के बारे में बताऊंगा तथा थोड़ा सा सीपी के बारे में भी दिखाऊंगा। ये देखिए अभी बाहर निकलने का रास्ता है और मैं इस वक्त मैं आ चुका हूँ। ये देखिए इस वक्त मैं आ चुका हूँ कनॉट प्लेस। देखिए एक बार चारों तरफ, ये पालिका बाज़ार सामने, यहाँ पे वो टीवी का शो चल रहा है। कनॉट प्लेस में न्यूज़ 18 इंडिया न्यूज़ चैनल के मशहूर शो भैया जी कहीं में प्रतीक द्विवेदी का शो चल रहा है। ये तीसरा शीतलवार का था। सबके लिए जिनको लगता है बहुत परेशानी है, जब तक इनके राज था तो परेशानी नहीं, नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं और ये जमीन पर चांद तारों की बात करते हैं। कल तक ये हाथ जोड़कर आज हिमाचल का डेट भी आ गया। आपको पता है वहाँ 7.28 अनएम्प्लॉयमेंट है। आपको पता है वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है और उसके बाद रोड और बाकी चीजें हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की जब ये बात करते हैं तो इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप इन सारे चीज़ों के जो दाम बढ़ा दे रहे हैं, आप किसानों के उर्वरक जितनी चीज़ें उसमें फसल करते हैं, आप इनकी क्या इनको पता है कि आज ये है पालिका बाज़ार। पालिका बाज़ार का एंट्रेंस है, ये देखिए सामने। ये देखिए मैं पालिका बाज़ार और ये सामने सबसे बड़ा झंडा राजीव चौक के पास। आइए मैं आपको पालिका बाज़ार ले चलता हूँ। तो चलते हैं पालिका बाज़ार। पालिका बाज़ार एक अंडरग्राउंड मार्केट कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में स्थित है, जिसकी स्थापना 1970 के अंत में हुई थी। यह विशेष रूप से सस्ते इलेक्ट्रॉनिक सामान कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। आपको यहाँ जूतों से लेकर कपड़ों, नाइटवेयर, परफ्यूम, एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लेकर डीवीडी और सीडी। इस बड़ी मार्केट आपको विभिन्न उत्पादकों के व्यापक रेंज मिलेंगी। यह बाज़ार विदेशी पर्यटकों की भी आकर्षित करता है। इसका मुख्य द्वार राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के सामने है। यह मार्केट रविवार के दिन बंद रहती है।
कॉन्सेप्ट में ये राजीव चौक पहुँचने वाले। इस तरह मेरा छोटा सा ब्लॉग राजीव चौक मेट्रो स्टेशन तथा पालिका बाज़ार तथा सीपी पर ख़त्म हुआ। धन्यवाद।